सारी लिमिट पार कर दी एंड SRK इज ऑलवेज अमेजिंग। अभी काफी शाहरुख खान में वो ऐसे बुढ़ापा वगैरह फील नहीं होता, मतलब ये मूवी देखेंगे ना तो आपका पॉलिटिकल व्यूज थोड़ा बहुत चेंज होंगे। इलेक्शन से पहले सबको मूवी देखनी चाहिए तो देश की सच्चाई सामने आएगी कि देश में क्या हो रहा है। रिकमेंड एकदम बहुत ही धाकड़ मूवी देखिए और इलेक्शन से पहले। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, इट्स अ मस्ट वॉच, प्लीज 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 जाके इसे देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। तो आज शाहरुख खान की जवान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और हम आए हैं जयपुर के मानसरोवर में स्थित सनी ट्रेड मॉल में और आइनॉक्स थिएटर में जहां ये मूवी रिलीज हो गई है। लोगों से इस मूवी के बारे में जानेंगे कि कैसी लगी मूवी, उनके रिव्यूज लेंगे कि क्योंकि इस मूवी में शाहरुख खान का एक नया अवतार देखने को मिला है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से, कैसी लगी उन्हें मूवी, शाहरुख खान का कौन सा रोल इसमें सबसे अच्छा लगा, क्या लगा है इसमें। उनके फादर का रोल है, वो भी शानदार रोल था और आज ये मूवी रिलीज हुई है तो अच्छी मूवी है यंग जनरेशन के हिसाब से। और अभी काफी शाहरुख खान में वो ऐसे बुढ़ापा वगैरह फील नहीं होता। अच्छा, जैसे शाहरुख खान को रोमांटिक किंग कहा जाता है जी, बादशाह, और इसमें उनका थोड़ा अलग रूप है, तो आपको क्या कहना है इस बारे में, कैसा है उनका ये अलग? नहीं, उनका आज भी वही रूप है शाहरुख खान का जैसे पहले होता था। ये नहीं कि उनकी एज ज्यादा हो गई तो ये चीजें कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं। और अच्छी मूवी है। जैसे हम आपसे पूछे कि इस मूवी को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, 10 में से? मैं 10 में से 10 ही दूंगा। 10। और हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए? ऑडियंस को मूवी देखनी चाहिए, एक बार सबको मौका आजमाना चाहिए, देखना चाहिए। कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा? सीन उसका जो रोल है ना, वो मुंह के बांध के वो दुपट्टा सा बांध रखा है, वो रोल भी अच्छा है और फाइटिंग भी अच्छी है लास्ट के अंदर, बहुत ही शानदार। चलिए और लोगों से बात करते हैं इस मूवी के बारे में, क्या कहना है उसका मूवी के बारे में, उनके रिव्यू लेते हैं। मैम मूवी तो ओवरऑल बढ़िया है, जो हमारे सिस्टम के ऊपर भी ऐसा पूरी मूवी कि जैसे अभी हमारे इलेक्शन आने वाले हैं कि हमें कि वोट किस तरह से देना चाहिए, क्या क्या चीजें देख के लेनी चाहिए, सारी मूवी उसके बारे में है। मैम ऐसे तो मैम ऐसा तो कोई सीन नहीं, मतलब सारे सीन ही बढ़िया थे, बहुत सारे सीन ऐसे थे जिसके अंदर मतलब बहुत बढ़िया थे वो। तो मैम इसके बारे में यही है कि जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जैसे मई या जून के अंदर इलेक्शन है, तो हमें वोट किस तरह से देना चाहिए कि हमारी वोट की शक्ति क्या है। हाँ मतलब आज सिस्टम बेस के ऊपर है कि ना हमें हम वोट कैसे देना चाहिए, सिस्टम को कैसे सही चलना चाहिए, सारी चीज उसके बारे में। मैम ऐसा बोलूंगा ये मूवी जरूर देखें और अगर आप थोड़ा बहुत मतलब ये मूवी देखेंगे ना तो आपका पॉलिटिकल व्यूज थोड़ा बहुत चेंज होंगे कि हमें सिस्टम किस प्रकार से अभी है, किस प्रकार से हमें उसको बदलना है, वो सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। मैम 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं उसको। मैम देशभक्ति के बारे में बहुत ही बढ़िया मूवी है, मतलब वो ऐसा है ना कि किसानों के ऊपर किसान कैसे सुसाइड कर रहे हैं और सारी चीजों के ऊपर भी है कि हम जैसे अभी जाते ही सबसे पहला सीन इसके अंदर यही है कि ना किसान सुसाइड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मैम जी मैम बहुत ही जरूरी मूवी है, मैम क्या ना 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं तो उसको। मैम अभी सीखने को तो यही है कि हमें वोट किस तरीके से देना चाहिए, क्या देख के देना चाहिए हमें वोट, वही है। अब मैं तो आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये मूवी जरूर देखेंगे। एकदम बहुत ही धाकड़, जो लास्ट टाइम जैसे हमने कौन सी मूवी थी, जवान थी भाई। नहीं वो जो लास्ट टाइम जो देखी थी अपन ने, जवान देखी। अरे इससे पठान, पठान से, पठान के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जवान थी ये बहुत ज्यादा मतलब थ्रिलर और बहुत ज्यादा एक्शन। इसके जो पापा पापा का जो रोल है वो एक्चुअली इम्प्रेसिव था, वो बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर आप आके ये मूवी देखिए और इलेक्शन से पहले। और आप फ्रॉम माय साइड 10 में से 9 एक खाने की जाएगा, बढ़िया लगी मैम। अलग क्या, एक तो साउथ का जो आया डायरेक्टर वगैरह बेस्ट दिया है, शाहरुख खान के साथ जो बेस्ट हो सकता था वो दिया है, जो फादर का वो सबसे बेस्ट है। इतना कुछ नहीं, एक्शन ज्यादा है, मास सिनेमा कंप्लीट इलेक्शन से पहले। सबको मूवी देखनी चाहिए तो देश की सच्चाई सामने आएगी कि देश में क्या हो रहा है अभी। डिफरेंट ट्रेलर से पूरी डिफरेंट है मूवी, देखने आना पड़ेगा।
हमारे रिव्यू के हिसाब से सबको देखनी चाहिए, इलेक्शन से पहले सबको देखनी चाहिए मूवी। थैंक यू। स्टोरी वो आपको देखनी पड़ेगी, मैं बोलना चाहूंगा मूवी बहुत बढ़िया थी, पर कुछ सीन कॉपी थे, जैसे कि बॉलीवुड के हॉलीवुड के सीन कॉपी थे। बाकी मूवी बहुत बढ़िया थी, शाहरुख खान का बहुत बढ़िया रोल था, डबल रोल था। जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा मूवी उसके भी बियॉन्ड है, जितना आप सोच के आ रहे हो सारी लिमिट पार कर दी। एंड SRK इज ऑलवेज अमेजिंग, नयनतारा, विजय सेतुपति सबने आग लगा दी है यार, बहुत मस्त मूवी है, आपको देखनी चाहिए। 5 out of 5 भले उससे ऊपर भी दे दूं मैं। जितने भी इमोशनल सीन है एंड स्पेशली जो दोनों बाप और बेटे वाला सीन है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑसम, बियॉन्ड। रोमांटिक, हाँ रोमांस लेकिन कम था। हाँ इस बार जो अभी जो करंट जो मुद्दे चल रहे हैं देश के, उसके ऊपर ज्यादा बात करी गई। बहुत डिफरेंट मूवी निकल कर आई है। जो स्टोरी यही है कि आदमी को वोट क्यों करना चाहिए, बेसिकली ये बात जो है वो मेनली समझ में आई। हाँ बहुत अलग है, ट्रेलर से बहुत अलग है मूवी, अच्छी मूवी है, एक्शन बहुत अच्छा है, जरूर देखिए मूवी, मेरा तो यही है। बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत अमेजिंग मैसेज दिया है विद बॉलीवुड फन, जो कि बहुत अच्छा था, आई लाइक्ड इट। मैं इसको तो 9 रेटिंग दूंगा फॉर श्योर। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, इट्स अ मस्ट वॉच, प्लीज 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 जाके इसे देखें, बहुत ही जरूरी है अब ये मूवी देखना। तो आपने लोगों के रिव्यू सुने, लोगों को ये मूवी काफी पसंद आ रही है, लोग सबको सजेस्ट कर रहे हैं कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए। चलो शाहरुख खान का तो एक नाम ही काफी होता है, मूवी उनके नाम से ही मूवी हिट हो जाती है, तो ये मूवी आप सभी को देखनी चाहिए। और फिल्म से जुड़ी सारी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे हमेशा के लिए। मेरे सहयोगी संजय शर्मा के साथ मैं साक्षी शर्मा, द नगरी न्यूज़, जयपुर।